इसकी वजह क्रिकेट नहीं बल्कि हिंदू मुसलमान का मुद्दा है। इस विवाद की शुरुआत पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर के बयान से हुई, जिसमें उन्होंने पाकिस्तानी हिंदू क्रिकेटर दानिश कनेरिया के साथ भेदभाव होने का मुद्दा उठाया था। यार कोई हिंदू है ना वो खेलेगा पाकिस्तान, और उसी हिंदू ने मैसेज जताई। मैंने कहा अब और यार मैंने बात खुल गई वैसे कि सर ये यहाँ से खाना क्यों ले रहा, मैं क्या मैं तुम्हारा उठा कर मैं उठा लो पढ़ाई अगली इसके बाद दानिश कनेरिया ने भी इस विवाद पर अपना बयान दिया। कनेरिया ने कहा कि वो शोएब अख्तर की इस बात का सम्मान करते हैं कि वो इस मुद्दे को सामने लेकर आए। जो लोग ये बात कर रहे हैं कि मैं सस्ती शहरत के लिए और YouTube चैनल के लिए ये बातें कर रहा हूँ, तो मैं उनको याद दिला दूँ कि ये बात मैंने नहीं कही, ये बात खुद शोएब अख्तर ने नेशनल टेलीविजन पर आके की। इन बयानों के बाद पाकिस्तान क्रिकेट में लगातार बयानबाजी तेज हो गई। जावेद मियांदाद ने कहा कि अगर पाकिस्तान में अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय के साथ भेदभावपूर्ण रवैया होता तो दानिश कनेरिया देश के लिए नहीं खेल पाते। इसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम का हिस्सा रहे एक और अल्पसंख्यक समुदाय से आने वाले क्रिकेटर मोहम्मद यूसुफ ने भी शोएब की बातों की निंदा की। उन्होंने एक ट्वीट में लिखा कि मैं पाकिस्तान टीम में अल्पसंख्यक खिलाड़ियों के साथ भेदभाव के बारे में की गई टिप्पणियों की निंदा करता हूं। मैं टीम का सदस्य रहा हूं और मुझे हमेशा टीम प्रबंधन और प्रशंसकों से बहुत प्यार और समर्थन मिला है। इस बढ़ते विवाद के बाद शोएब अख्तर ने एक और वीडियो जारी किया जिसमें उन्होंने यह साफ किया कि उन्होंने टीम कल्चर पर कभी सवाल नहीं उठाए। बात हुई थी दानिश कनेरिया के ऊपर कि कुछ मैंने एज अ टीम कल्चर ये बात नहीं की थी, एज अ जो टीम का एक सिलेबस होता है जिसमें लिखा होता है अनरिटन कॉन्ट्रैक्ट होता है कि वी गॉट टू रिस्पेक्ट ईच अदर नो मैटर व्हाट, जो भी पाकिस्तान के लिए खेल रहा है। लेकिन कुछ हेजिटेशन शो की गई कुछ प्लेयर्स की जानब से, ये हमारी टीम का कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है, ये एक दो प्लेयर है, एक दो प्लेयर हर जगह होते हैं, एक दो प्लेयर पूरी दुनिया में होते हैं जो रेसिस्ट कॉमेंट पास कर देते हैं। इस बीच पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेट कप्तान इंजमाम उल हक का बयान भी सामने आया। इंजमाम ने एक टीवी चैनल पर कहा कि टीम में गैर मुस्लिम खिलाड़ियों के साथ भेदभाव होने के दावे गलत हैं। उन्होंने कहा कि दानिश कनेरिया उनकी कप्तानी में ही टीम में थे और अब यह सब बातें सुनकर उन्हें अफसोस हो रहा है। इधर भारत के क्रिकेटर भी इस विवाद से खुद को दूर नहीं रख पा रहे हैं। पूर्व भारतीय क्रिकेटर और अब दिल्ली से बीजेपी के सांसद गौतम गंभीर ने इस विवाद पर कहा है कि यह पाकिस्तान की सच्चाई है। उन्होंने अपने बयान में भारत के पूर्व क्रिकेट कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन का नाम भी लिया है और कहा है कि भारत ने अजहरुद्दीन जैसे लोगों को टीम का कप्तान बनाया। जिस देश में मोहम्मद अजहरुद्दीन जैसे लोग कप्तान बन चुके हैं, जिस तरीके से मोहम्मद कैफ को इतना ज्यादा इज्जत मिली है, इरफान पठान, मुनाफ पटेल इतने ज्यादा खिलाड़ी खेले हैं और मुनाफ पटेल मेरे बहुत ज्यादा खास मित्र भी हैं। अभी तक खास मित्र आपसे जाके पूछे तो हम हमेशा इकट्ठे रह के एक देश का नाम रोशन करने के लिए खेलते थे, लेकिन ये बहुत अनफॉर्चुनेट है कि जिस तरीके से रिपोर्ट आ रही है पाकिस्तान से। जो खिलाड़ी हैं वो पाकिस्तान के लिए सब खाना भी नहीं खा सकते पाकिस्तान। जैसे मैंने बोला कि ये सारी चीज़ें जो शोएब अख्तर ने बोली हैं ये बहुत ज़्यादा अनफॉर्चुनेट है और ये सच्चाई है पाकिस्तान की। अगर आप स्पोर्ट्समैन के साथ ऐसा कर सकते हैं तो आप इमेजिन करिए कि जो लोग वहाँ पर चाहे वो हिंदू हो सिख हो या माइनॉरिटीज़ में होंगे उनके साथ क्या बीतती होगी। कनेरिया जी ने कल रात को एक स्टेटमेंट इशू किया जिसमें उन्होंने कहा है कि बहुत सारे लोगों ने उनकी बहुत हेल्प करी है, उन्होंने बहुत प्यार से भी उनके साथ डील किया है, पर वो इमरान खान से रिक्वेस्ट करते हैं कि उन्हें प्रॉब्लम से निकाला जाए। देखिए स्पोर्ट्समैन है इमरान खान, आई थिंक प्राइम मिनिस्टर से पहले वो स्पोर्ट्समैन रहे पाकिस्तान के, तो उनको जरूर हेल्प करनी चाहिए। और स्पोर्ट्समैन की अगर दानिश करी या किसी भी तरीके की उनको मदद चाहिए तो जरूर इमरान खान को उसको सपोर्ट करना चाहिए, हर तरीके की मदद करनी चाहिए, क्योंकि आप 60-65 टेस्ट मैचेस अपनी कंट्री के लिए खेले हैं, 200 से ज्यादा आपने विकेट लिए, आपने अपने देश का नाम रोशन किया है, उसके बावजूद अगर आपको इस तरीके से टॉर्चर झेलना पड़ रहा है या फिर जिस तरीके से उनकी स्थिति बड़ी खराब है तो मुझे लगता है